जय हिंद अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है जोगेश्वर गंजू जी, चतरा झारखंड से। दोनों कानों के दूरबीन द्वारा ऑपरेशन के लगभग 1.5 महीने बाद में आपके दोनों कानों में बड़े छेद थे और हड्डियों में गलन थी, छोटी व बड़ी हड्डियों में। राइट ईयर में पर्दे का नवनिर्माण और अस्थियों, सुनने की अस्थियों का नवनिर्माण किया गया था और लेफ्ट में दूरबीन से टिम्पेनोमेस्टॉइड सर्जरी की गई थी। और अब हम देखना चाहते हैं लगभग 1.5 महीने बाद कान की आंतरिक स्थिति कैसी है। जोगेश्वर जी, ऑपरेशन के बाद में कोई तकलीफ तो नहीं रही? नहीं। सबसे पहले हम राइट ईयर को देखेंगे, सीधे कान को। हम कान के पिछले हिस्से को देख रहे हैं, ये नीट एंड क्लीन है, यहाँ किसी प्रकार का चीरा कट टाँका निशान नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ था, ट्रांसकेनाल ट्रांसमिटल अप्रोच से। यहाँ किसी प्रकार का कोई कट चीरा नहीं है। और हम कान के आंतरिक हिस्से को देखना चाहेंगे। और यहाँ हम देख रहे हैं नियोटिम्पेनम नव तरुण पर्दा अपनी मजबूत स्थिति में, ग्राफ्ट अपटेक कंप्लीट, ये 1.5 महीने बाद में। पहले यहाँ छेद था गंजू जी, पहले यहाँ बड़ा सब टोटल परफोरेशन हुआ करता था 1.5 महीने पहले, अब ये पूरा नया पर्दा बन गया है। ओके, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत बहुत बधाई हो आपको। अब दूसरा कान भी देखना चाहेंगे। इस कान का आपका टिम्पेनोमेस्टॉइड ऑपरेशन हुआ था, कान की बड़ी हड्डी में गलन के लिए और पर्दे में छेद के लिए ऑपरेशन हुआ था। सबसे पहले हम कान को बाह्य रूप से देख रहे हैं, ये नीट एंड क्लीन है, यहाँ किसी प्रकार का चीरा कट टाँका निशान नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ था। और अब हम पर्दे की स्थिति को देखना या जांचना चाहेंगे। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया। टिम्पेनोमेस्टॉइड सर्जरी के बाद में इतना अच्छा कान, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपको बहुत बहुत बधाई हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कुछ कहना चाहेंगे आप? ठीक है, अब आपकी सुनाई में कितना सुधार हुआ? 50% सुधार हुआ। ठीक है, तो अभी आपको आगे कंटिन्यू अपनी मेडिसिन लेनी है, जो रिक्वायर्ड मेडिसिन है वो आपको प्रिस्क्राइब की जाएगी। थैंक्स फॉर कीपिंग ट्रस्ट इन अशोक बेस्ट। जय हिंद।